So, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का, अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, मतलब आंसर भी आपको बताता हुआ चलूंगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके जो भी मिड टर्म एग्जाम होंगे, क्लास में टेस्ट होंगे, सभी जगह पे क्वेश्चंस यही से आने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर को मैंने एनिमेशन के थ्रू भी समझा रखा है और डिजिटल बोर्ड के थ्रू भी समझा रखा है। दोनों तरीके से चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा रखा है। जिस भी तरीके से आपको चैप्टर को समझना है, जरूर समझे, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझे, ताकि कुछ भी क्वेश्चन, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आसानी से आप उस क्वेश्चन को कर सके। बोर्ड एग्जाम में आपने जो 90+ का टारगेट रखा है, 95+ का टारगेट रखा है, उसको आप अचीव कर सके। ठीक है जी, तो अब हम चलेंगे सीधा आपने पीडीएफ में और सभी क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, और हमारे यहां पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सोवियत प्रणाली क्या थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, सोवियत प्रणाली क्या थी। तो आप सभी को पता है कि सोवियत प्रणाली बोल दो, सोवियत व्यवस्था बोल दो, है ना। तो सोवियत प्रणाली या सोवियत व्यवस्था थी क्या, आप सभी को पता है कि ये जो सोवियत प्रणाली है या सोवियत व्यवस्था है, इसमें सोवियत संघ के हम देशों की बात करने वाले हैं। तो टोटल 15 देश थे, 15 देशों के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हैं। इन देशों के नाम आप चाहे तो याद कर सकते हैं। सोवियत प्रणाली थी क्या, अगर इसके बारे में हमें जानना है तो हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है कि देखो जी, ये जो सोवियत गणराज्य है या सोवियत संघ जिसको हम कहते हैं, तो आप सभी को पता है कि ये जो समाजवादी सोवियत गणराज्य है, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं, USSR भी बोलते हैं, है ना जी। तो ये अस्तित्व में कब आया था, 1917 में अस्तित्व में आया था, और रूस में हुआ था समाजवादी क्रांति, जिसको हम रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो रूसी क्रांति के बाद, या फिर इसको बोल्शेविक क्रांति भी बोल देते हैं, आप सभी को ये बात मालूम है। तो बोल्शेविक क्रांति के बाद क्या होता है, सोवियत संघ का जन्म होता है, सोवियत संघ अस्तित्व में आता है, सोवियत प्रणाली अस्तित्व में आता है। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हुई थी, है ना जी। पूंजीवादी व्यवस्था जो है पूरे यूरोप में फैलता जा रहा था, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए समाजवादी क्रांति यानी कि रूसी क्रांति हुई थी। और ये रूसी क्रांति जो है, या जो समाजवादी क्रांति थी, वो पूरे तरीके से समतावाद के आदर्श पर आधारित थी। समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती थी, यानी कि एक ऐसा समाज जहां पे सब बराबर हो, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, इस व्यवस्था पर आधारित थी क्रांति। आगे बढ़ते हैं जी, इसी में क्या क्या और भी चीजें बता रखी है कि सोवियत राजनीति प्रणाली में, यानी कि सोवियत संघ, आप सभी को पता है सोवियत व्यवस्था में, सोवियत प्रणाली में क्या था कि एक जो पार्टी है उसको बहुत महत्व दिया गया था, है ना। इसकी धुरी, है ना, इस व्यवस्था की धुरी कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्षी पार्टी के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गया कि भाई जो सोवियत प्रणाली है उसमें एक ही पार्टी को सारे काम काज संभालने के लिए सारे अधिकार दे दिए गए थे। तो वो पार्टी कौन सी थी भाई, कम्युनिस्ट पार्टी थी, है ना। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाई जा रही इस शासन व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा गया था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जो सोवियत संघ में जिस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाई जा रही थी, उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, सोवियत प्रणाली बोल देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सोवियत प्रणाली समझ चुके होंगे। सोवियत प्रणाली क्या था, तो यह प्रणाली, यह व्यवस्था 1917 में अस्तित्व में आया था, रूसी क्रांति के बाद, या फिर बोल्शेविक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। समता मूलक समाज की स्थापना से प्रेरित था, यानी कि समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था यह क्रांति, है ना। और इस मतलब ये एक तरीके से यह व्यवस्था जो थी वो समाजवाद के ऊपर आधारित थी, समाजवाद भी व्यवस्था को स्थापित करना चाहती थी, है ना। और इस व्यवस्था में क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी को ही सारे पावर दिए गए थे, और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जो व्यवस्था चलाई जा रही थी, जिस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाई जा रही थी, उसी को हम सोवियत प्रणाली कह देते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सोवियत संघ की प्रमुख सकारात्मक विशेषता, है ना। सोवियत संघ में कुछ खासियत थी, सोवियत व्यवस्था में कुछ खासियत थी, सोवियत संघ बोल दे, सोवियत प्रणाली बोल दे, सोवियत व्यवस्था बोल दे, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना भाई। कई बार जो पेपर लिखते हैं, मतलब पेपर बनाते हैं, क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं, क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करते हैं,
वो शब्दों के साथ खेलते हैं, है ना। तो शब्दों से नहीं फंसना भाई, शब्दों को समझना है, शब्दों के मतलब को समझना है और क्वेश्चन के आंसर को लिख देना है। तो क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ की प्रमुख सकारात्मक विशेषता बताइए भाई, मतलब जो उसमें खासियत थी, जो विशेषताएं थी, उसकी खास विशेषताएं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे ना, तो सोवियत संघ जो है वो महाशक्ति के रूप में उभरी थी भाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका पहली महाशक्ति, दूसरी महाशक्ति कौन सी थी भाई? सोवियत संघ, है ना। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी, मतलब बहुत ज्यादा विकसित अर्थव्यवस्था थी इसकी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, संचार प्रणाली आप समझते हैं, जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ा तेजी से आगे हो जाता था। इसके पास विशाल मात्रा में ऊर्जा और खनिज संसाधन मौजूद थे, जैसे कि तेल है, लोहा है, इस्पात यंत्र है ना, मशीन है, इन सभी चीजों का उत्पादन वहां पे होता था और विशाल मात्रा में ऊर्जा और खनिज संसाधन वहां पे मौजूद थे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। यानी कि इस लाइन से क्या समझ में आता है कि भैया वहां की परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और परिवहन व्यवस्था का अच्छा होना भी देश की सुरक्षा के लिए, है ना, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। अब मान लो कि परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं है, रोड उबर खाबर वाले हैं, किसी मरीज को लेकर जाने हॉस्पिटल, एम्बुलेंस भाई उसी उबर खाबर वाले रोड में उछलती रह जाएगी, बंदा वहीं पे मर जाएगा, एम्बुलेंस में ही मर जाएगा, है ना। तो परिवहन व्यवस्था भी बहुत जरूरी होता है भाई, अगर परिवहन व्यवस्था अच्छी है टाइम की भी बचत हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें हैं। सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था वो भी बहुत ज्यादा उन्नत था। घरेलू उपभोक्ता उद्योग यानी कि जो भी जरूरतमंद चीजें बनाने वाले जो उद्योग धंधे हैं वो बहुत ज्यादा विकसित थी भाई। और ये पिन से लेके कार तक सभी चीजों का निर्माण यहाँ पे हो जाता था, पिन से लेके कार तक हर छोटी से लेके बड़ी चीजें यहाँ पे आसानी से ये उद्योग बना देते थे, यानी कि उपभोक्ता वस्तु की कभी कोई कमी वहां पे नहीं हो सकती थी और दूसरे देशों के ऊपर इनको निर्भर रहना भी नहीं पड़ता था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। भैया कि न्यूनतम यानी कि जरूरत की जो भी चीजें होंगी, न्यूनतम जरूरत की जो भी चीजें होंगी वो सरकार सस्ते दामों पे उपलब्ध कराएगी, या तो मतलब ये था कि फ्री में, कहीं ना कहीं सरकार सब कुछ फ्री में लोगों को उपलब्ध करा देती थी जो भी उनकी जरूरत की चीजें है। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, बच्चों की देखभाल की बात कर लो, है ना, लोक कल्याण की नीतियों की बात कर लो, तो ये बहुत ही रियायती दरों पे, सस्ते दरों पे, फ्री में, कई बार फ्री में उपलब्ध करा दिया जाता था। ज्यादातर खाने पीने की चीजें वहां पे फ्री में ही लोगों को दी जाती थी, है ना। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी भाई, बेरोजगारी वहां पे बिल्कुल नहीं थी, सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ था। तो ये कुछ सोवियत प्रणाली की सकारात्मक विशेषताएं थी जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं आप पॉइंट्स को लिख लिए होंगे, लिख नहीं लिए होंगे तो दिमाग में छाप लिए होंगे, है ना, जिससे कि आप आसानी से आगे जब एग्जाम आप देने जाए, पेपर देने जाए, तो ये क्वेश्चन कर ले। मैं तो ये कहूंगा कि भाई मैं समझाता हूं, नोटबुक अपने साथ रखो, पॉइंट्स को लिखते हुए चलो, ठीक है जी, लिखते हुए चलोगे फायदे में रहोगे, क्योंकि ऐसे आपको जल्दी याद हो जाता है, चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ता है ना यार, अब लिखोगे तो उसमें मेहनत लगेगा, वीडियो देखोगे बस देखते रहोगे, है ना, लेकिन लिखना स्टार्ट करोगे तो डबल इंपैक्ट पड़ेगा ना। जब डबल इंपैक्ट मिलेगा तो चीजें ज्यादा अच्छी से हो जाएंगी, है ना। अगर आप समझ भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, तो फिर तो भाई नहले पे दहला है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पेपर में पूछा जाता है भाई, हर बार लगभग पांच छह सालों से लगातार ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, देखने को मिल जाता है ना। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए, ये जो सोवियत व्यवस्था है यो क्यों टूट गई, क्यों बिगड़ गई। देखो कोई भी व्यवस्था, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, कोई परिवार है, कोई फैमिली है, संयुक्त है, मतलब 15-20 लोग हैं, जैसे कि सोवियत व्यवस्था, सोवियत प्रणाली में भी तो भाई 15 देश थे, एक परिवार की तरह रहते थे, काम कर रहे थे, अमेरिका को जवाब देते थे, हर मामले में आगे मतलब बढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन एकदम से ये व्यवस्था टूट गई। एक परिवार की, जैसे एक परिवार का एग्जाम्पल आप लेंगे तो मान लो एक परिवार है, सही, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर कुछ कमियां देखने को मिल जाती है, कुछ ना कुछ कमी नजर आने लग जाती है, हर एक व्यक्ति दूसरे में कमियां देखना स्टार्ट कर देता है
ना। और इससे फिर क्या है कि लोगों के बीच में दरारें उत्पन्न होने लग जाती है और परिवार धीरे धीरे फिर टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई व्यवस्था में या किसी परिवार में जब कोई कमी होगी, जब वो टूटेगा, तो सोवियत संघ में भी कुछ ना कुछ कमियां रही होगी। उन कमियों की वजह से ही सोवियत व्यवस्था खत्म हो गई, सोवियत प्रणाली का विनाश हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब कमियां क्या थी भाई? बहुत अच्छे से हमने हेडिंग्स के साथ पॉइंट्स को लिखा है, और इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे भाई, 6 नंबर कहीं नहीं गए, 6 नंबर में आता है सीबीएसई बोर्ड में। बाकी स्टेट बोर्ड में भाई 4 मार्क्स में आ जाता है, 3 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन ही। तो पहला पॉइंट दे रखा है कि लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं का पूरा ना होना। अब भाई लोगों की बहुत सारी इच्छाएं थी, जैसे कि दूसरे देश 15 देश है, 15 देश के नागरिक है, उनको लग रहा था कि भाई सोवियत संघ में अगर हम शामिल होते हैं तो हमारी मतलब स्थिति अच्छी हो जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा विकास होगा यहाँ पे, डेवलपमेंट होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोगों की जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई भाई, उनकी आकांक्षाओं के साथ खेला गया, मतलब उनकी भावनाओं के साथ खेला गया, उनकी फीलिंग्स के साथ खेला गया भाई। सोवियत व्यवस्था कुछ नहीं कर पाई वहां के लोगों के लिए, वहां के जो शामिल देश थे उनके लिए। तो लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। नौकरशाही का बहुत ज्यादा शिकंजा था, नौकरशाही यानी कि जो सरकारी अधिकारी थे उनका हर व्यवस्था में बहुत ज्यादा कंट्रोल था, है ना। और ये क्या करते थे भाई, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे, है ना, जनता की बातें सुनने को तैयार नहीं है। अब भाई देखो, सरकारी अधिकारी जो नौकरशाही होते हैं, अगर जैसे पार्टी के अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे, पार्टी के जो सदस्य अगर काम नहीं कर रहे, तो वो सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं। लेकिन अगर सरकारी अधिकारी भी भ्रष्टाचार फैला रहे, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना यार लोगों के लिए। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या थी और इस वजह से भी लोग नाखुश थे। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, ये बात आप सभी को पता है कि भाई 70 सालों तक शासन किया इस पार्टी ने वहां पे सोवियत संघ में, 70 सालों तक शासन करते हुए आ रही है 70 सालों से, लेकिन कुछ भी लोगों के लिए नहीं कर रही है, लोगों के बेहतर जीवन के लिए कुछ नहीं कर रही है पार्टी, है ना। सिर्फ सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी, सोवियत संघ की जो सरकार और उसके जो उसमें शामिल जो लोग है, सिर्फ उन्हीं को सोवियत संघ से फायदा पहुंच रहा था, आम नागरिकों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था। तो इस वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अगला देखिए, चौथा पॉइंट क्या दे रखा है, पश्चिम के देशों से पिछड़ जाना। देखो आप सभी को पता है कि जो सोवियत संघ के जो लोग है, सोवियत संघ के लोगों को यह बात कहा जा रहा था कि पश्चिमी देशों से हम काफी आगे हैं, है ना, हम हमारी अर्थव्यवस्था उनसे काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। लेकिन ये सच्चाई नहीं थी, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो ठप पड़ चुकी थी, है ना, वहां पर कोई तरक्की नहीं हो रहा था, आम नागरिकों कि जो जिंदगी थी वो बस से बदतर हो गई। जब जानकारी वहां के लोगों को पता चला, जब उनको जानकारी मिली कि भाई यहाँ की जो सरकारें हैं, यहाँ के जो अधिकारी, वो तो हमें बेवकूफ बना रहे, वास्तव में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तो भाई विकास कर ही नहीं रही सही से, है ना, यहाँ पे चीजें सही से चल नहीं रही है भाई, समस्याएं बहुत गंभीर है। तो इस वजह से क्या होता है, उनको एक मनोवैज्ञानिक धक्का लगता है कि यार सरकार हमें बना रही है भाई, समझ जाओ क्या बना रही है, ठीक है। तो लोगों ने ये बात समझना शुरू कर दिया कि हाँ भाई हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखो जी, सोवियत संघ की कमी ये थी कि हथियारों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, है ना, हथियारों पर खर्च करने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई, सरकार के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ गया। अब भाई हथियारों पर खर्च कर रहे हो, क्यों खर्च कर रहे हो, ताकि आप अमेरिका को नीचा दिखा सको, है ना, उससे आप आगे निकल सको, सारे पैसे आप वहीं खर्च कर रहे हो। और इसके अलावा जो पूर्वी यूरोप के देश थे, पूर्वी यूरोप के देशों को भी अपने साथ मिलाए रखने के लिए सोवियत संघ ने बहुत पैसे खर्च किए, ताकि पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ में रह सके, सोवियत संघ में मिलकर रह सके, इसके लिए बहुत पैसे खर्च कर दिए, है ना। अब इससे क्या हुआ, आर्थिक दबाव बढ़ा भाई, अर्थव्यवस्था कर्ज के तले दबती जा रही थी, है ना, और आखिरकार ये व्यवस्था ठप पड़ गई, बिखड़ गई। अर्थव्यवस्था का गतिरुद्ध होना, कई वर्षों तक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। 1970 से 80 के दशक में अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत मतलब उन्नत थी, 70-80 के दशक में, 1970-80 के दशक में उन्नत थी, लेकिन 90 के दशक की अगर हम बात करें, उसके बाद यानी कि 1980 के दशक के अगर बाद की बात करें, तो धीरे धीरे ये व्यवस्था ठप पड़नी शुरू हो जाती है, है ना। और इस वजह से लोग जो है वो राज्य व्यवस्था को, सरकार के अधिकारियों को, पार्टियों के अधिकारियों को, जो पार्टी के जो सदस्य होते हैं, उनको शक की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है भैया, अगला पॉइंट आता है रूस की प्रमुखता या रूस का दबदबा।
है ना जी। आप सभी को पता है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिला के बना था भाई, कितने देश शामिल थे? 15 देश शामिल थे इसमें। लेकिन आप सभी को ये भी बात मालूम है कि 15 देशों में सबसे ज्यादा दबदबा किसका था? सबसे ज्यादा दबदबा रूस का ही था यहाँ पे, है ना। रूस क्योंकि बहुत पावरफुल था तो हर मामले में एक दादा की तरह काम करता था, हर मामले में अपनी चलाता था वो। तो इस वजह से दूसरे देश जो थे और जो 14 देश है वो तो नाराज होंगे ना भाई, उनकी बात तुम सुनोगे नहीं, बस अपनी चलाते रहोगे, तो दिक्कत तो होगी भाई किसी को भी, है ना। अगर फैमिली 15 जनों की है, मान लो चलो एक लीडर है, ठीक है, लेकिन लीडर का काम क्या है कि साथ में और जो लोग हैं उनकी बातें भी तो सुने, उनके लिए भी तो काम करे, सिर्फ अपनी ही जेब भरता चला जाए, तो ये तो भाई गलत है ना, है ना। तो ये भी एक समस्या हो गई। मिखाइल गोरबाचेव की नीतियां भाई गलत, मतलब मिखाइल गोरबाचेव ने जो नीति चलाई सुधार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी दोनों ही नीति क्या रही? असफल। आपको पता है कि ग्लासनोस्त और यानी खुलापन और प्रेस्ट्रोइका का पुनर्गठन जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो खुलापन का मतलब है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, लोगों को बोलने की आजादी वगैरह देना शुरू कर दिया उन्होंने। पुनर्गठन का मतलब ये है कि भाई अर्थव्यवस्था को दोबारा से गठित करना है, दोबारा से खड़ा करना है। ये दो नीति उन्होंने चलाई थी, लेकिन ये दोनों ही नीति क्या रही? असफल रही, और आखिरकार फिर धीरे धीरे इस व्यवस्था का खात्मा हो गया। उसके बाद आखिरी पॉइंट बता दो, राष्ट्रवाद की भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। ये पॉइंट समझने वाली है कि जैसे 15 देश है, 15 देश एक संघ, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो? सोवियत संघ, है ना। सोवियत संघ बन गया 15 देश को मिला के, लेकिन देश तो अलग अलग है सारे, सबका अपना खुद का झंडा है ना। तो ये 15 जो देश थे, सभी देशों में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होने लगा कि भाई अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना दिखाने लगे, उनको लगा कि भाई हाँ हमारा राष्ट्र अलग है, हम सोवियत संघ में नहीं रहना चाहते, ठीक है। संप्रभुता यानी कि खुद का प्रभुत्व हो, यानी कि अगर हम एक अलग देश है तो हमारा वहां पे खुद की शासन व्यवस्था हो, संविधान हो जिसके माध्यम से हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए, यानी कि हमारा खुद का प्रभुत्व हो अपने देश पे, ये भावना लोगों के अंदर उत्पन्न होने लगी। तो लोगों ने सोचा कि भाई क्यों सोवियत संघ को मना के रखे, रूस तो दबदबा दिखाता है हर मामले में, हमारी तो कोई बात सुनी नहीं जाती, ऐसा लगता है कि हम गुलाम है, ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसका प्रभुत्व है? रशिया का प्रभुत्व है, चलो भाई हटाओ इसको, इस व्यवस्था को खत्म करो। तो इस वजह से सोवियत संघ बिखर गया। उम्मीद करता हूँ पॉइंट्स भाई आसान है, लेकिन उसको मैंने और आसान बना दिया है। कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ के बिगड़ने के परिणाम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लेकिन आसान है बहुत। क्योंकि तो यार पॉलिटिकल साइंस में देखोगे, पॉलिटिकल साइंस क्या, मैं सारे सब्जेक्ट की बात करूं ना, तो 80 से लेके 85% जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो आसान होते हैं, ठीक है जी, आसान है ना, आसान क्वेश्चन ही आते हैं 80 से 85, सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बस 10 से 15% क्वेश्चन जो तुम्हारे होंगे ना, 10 से लेके 15% वो थोड़ा टफ होगा, ठीक है। और ये 10 से 15% के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तुम पूरे साल नॉर्मल मेहनत करोगे ना, नॉर्मल 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे ही पढ़ लेते हो 24 घंटे में से, तो तुम 85 तक आराम से चले जाओगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे ऊपर जाने के लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, उससे ऊपर जाने के लिए सभी चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी बुक को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, तब जाके बच्चे ये 15 से जो 10 से जो 15% जो मार्क्स जो थोड़ा सा टफ होता है, जो पेपर में जो टफ क्वेश्चन आते हैं उसको कर पाते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट खुद से भी देना होगा, है ना। पूरी मेरे ऊपर पूरी तरीके से आप निर्भर हो जाओगे तो दिक्कतें हो सकती है ना। कोशिश ये करें, मैं क्वेश्चन बताता हूँ अच्छी बात है, इसको भी करें, साथ ही साथ थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाए, वहां से भी थोड़ा आइडिया ले कि भाई हाँ इस चैप्टर से और इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा आइडिया ले। वैसे तो आप देखेंगे तो ज्यादातर पेपर में आपको जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, डिट टू वैसे ही पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई खास अलग नहीं होते, ठीक है। हाँ, तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम की हम बात कर रहे हैं। सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, विघटन का रिजल्ट क्या निकला भाई, क्या परिणाम निकला? तो आप सभी को पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, है ना, 1939 से लेके 45, ये दूसरे विश्व युद्ध का समय काल है
है ना। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म समाप्ति के साथ ही 1945 में क्या होता है, पूरी दुनिया में आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में दो महाशक्तियों का उद्भव हो जाता है ना। दो महाशक्तियां उभर के सामने आती है, यूएसए और यूएसएसआर, है ना, सोवियत संघ और अमेरिका। ये दो महाशक्तियों का उभार देखने को मिलता है। अब दोनों ही महाशक्तियों के बीच में क्या शुरू हो जाता है, क्या शुरू होता है, हथियारों की होर, शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है, हथियारों की होर की शुरुआत हो जाती है। दोनों ही महाशक्ति एक मात्र महाशक्ति बनना चाहती थी, यानी कि पूरी दुनिया में उन्हीं का दबदबा हो, ये दिखाना चाहती थी। समाजवाद, पूंजीवाद, ये जो विचारधाराएं थी उसको आगे बढ़ाना चाहती थी। अमेरिका ये चाहता था कि भाई सिर्फ पूंजीवादी विचारधारा को दुनिया में फॉलो किया जाए। यूएसएसआर ये चाहता था कि भाई पूरी दुनिया में समाजवादी व्यवस्था को ही फॉलो किया जाए, है ना, उसी विचारधारा को अपनाया जाए। तो इस वजह से विचारधारात्मक मतभेद, हथियारों की होर, इन सब चीजों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अब आपको पता है कि ये जो महाशक्ति है, ये महाशक्ति आपको जो दिख रही है अब है ही नहीं, ये महाशक्ति अस्तित्व में नहीं है, है ना, ये खत्म हो चुकी है। अब एकमात्र महाशक्ति बच गई है, वो है यूएसएसआर, यूएसएसआर कह रहा हूं, यूएसए, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इससे क्या विश्व राजनीति में क्या बदलाव आएगा? सबसे पहले तो शीत युद्ध, जो इतने लंबे समय काल से जो शीत युद्ध चला आ रहा था वो खत्म हो जाएगा, है ना, शीत युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। हमारी बात समझ में आसान था बहुत। इसके अलावा हथियारों की होर, जो दोनों महाशक्तियों के बीच में जो हथियारों की होर चली आ रही थी, ज्यादा से ज्यादा हथियार बना रहे थे दोनों महाशक्ति एक दूसरे को पछाड़ने के लिए हथियारों के मामले में, अब हथियारों की होर भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि सोवियत संघ टूट चुकी है। तो अमेरिका के कॉम्पिटिशन में टक्कर में कौन रहेगा भाई, कोई नहीं है। तो ज्यादा मतलब ज्यादा खतरनाक हथियार अब नहीं बनाए जाएंगे। अरे बात समझ में, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। अब विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदलने का मतलब यह है कि अब पूरी दुनिया एक ध्रुवीय विश्व कहलाने लगी, एक ध्रुवीय विश्व जहां पे अमेरिका का दबदबा है और सभी देश ये चाहेंगे कि अमेरिका के जो संगठन है, अमेरिका द्वारा बनाए गए जो संगठन है उसके तरफ अपना रुख बदला जाए, अमेरिका से अपने संबंध अच्छे किया जाए, है ना, क्योंकि सोवियत संघ तो अस्तित्व में है नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि विश्व राजनीति में देशों के शक्ति संबंध बदल चुके थे। बहुत सारे देश नाटो में शामिल होना चाहते थे ताकि वो और ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करा सके। एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हो गया भाई, या इसको ऐसे भी हेडिंग बना सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई, है ना। तो एक ध्रुवीय विश्व में क्या हुआ कि अमेरिका अब अकेली एक महाशक्ति बच गई, इसके ताकत में कोई और चुनौती देने वाला नहीं था। तो अब चुनौती देने वाला नहीं है तो ये अपना पूरा दबदबा दिखाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ये जो है अमेरिका जो है वो अपना दबदबा दिखाना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगला है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं देश की ताकतवर सलाहकार बन गई। कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि विश्व बैंक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये दूसरे देशों को सलाह देना शुरू कर दिया कि भाई वो अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर मोड़ ले, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दे, है ना। तो ये एक तरीके से ताकतवर सलाहकार बन गई, ये दो संगठन आप बता सकते हैं, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। एकमात्र पूंजीवादी तथा उदारवादी लोकतंत्र की विचारधारा का उभार। अब इसमें क्या है, मतलब कि अब आपको पता है कि अमेरिका बचा है, यानी कि समाजवादी व्यवस्था दो भाई खत्म हो गई। सोवियत संघ के खत्म होने का मतलब क्या है कि समाजवादी व्यवस्था खत्म हो गई, है ना, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था अब समाजवादी व्यवस्था से आगे बढ़ चुकी है। ये विचारधारात्मक मतभेद जो चल रहा था वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया, इसमें पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हो गई। 15 गणराज्यों का विभाजन हो गया, है ना। सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ कि 15 देश अलग हो गए सारे, इसमें से कुछ यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, कुछ नाटो में शामिल होना चाहते हैं, है ना, कुछ ने अपना रिश्ता मजबूत रखा रशिया के साथ ही, अपने रिश्ते को मजबूत रखा। तो ये सारी चीजें देखने को मिलता है, ये सारे बदलाव देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 8वां पॉइंट क्या है, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया, है ना। ये भी तो एक तरीके से सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में ही आएगा कि रशिया जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। जो भी संधिया करार पहले सोवियत संघ ने कर रखे थे वो सब अब किसको सौंप दिया गया, रूस को सौंप दिया गया, यानी कि रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के तौर पर निकल के सामने आया। यही बातें यहां पे बता रखी है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन लेके आया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पेपर में सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, तो बस ध्यान से देखते रहो और चीजों को समझते रहो। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी क्या है ना, इसके परिणाम बताइए। ये भी 6 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता, ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है भाई ये। तो शॉक थेरेपी का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया देखो, समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण, जिसे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया, यह मॉडल शॉक थेरेपी कहलाया, जिसका शाब्दिक अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये तो भाई यहां पे लिखा है, मैं अपने भाषा में समझा देता हूँ, बहुत ही आसानी से समझा देता हूँ। देखो, शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, पहले किसी को ईंट मार दो और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, यही है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि शॉक थेरेपी का मॉडल। ठीक है जी। तो क्योंकि सोवियत संघ के विघटन में कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत ज्यादा योगदान था, और उसके बाद अमेरिका ने क्या किया था, सोवियत संघ के देशों को दोबारा से खड़ा होने में, मतलब वहां की अर्थव्यवस्था को दोबारा से विकसित करने में योगदान देना शुरू कर दिया था। किसके मदद से? तो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद से। इन दोनों ही संगठन, कहीं ना कहीं अमेरिका का दबदबा है इन दोनों ही संगठन में, और इन दोनों ही संगठनों ने क्या किया, वहां के देशों को पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने के लिए भर भर के पैसे देने शुरू कर दिए। ठीक है। तो यही जो व्यवस्था है, मतलब समाज, ये एक तरीके से जो सोवियत संघ के जो देश थे उनको समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ रुख करना था शॉक थेरेपी के तहत, है ना। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने, और इसी नीति को क्या कहा जाता है, शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है जी। शॉक थेरेपी की यहाँ पे विशेषता भी बता रखी है, विशेषताएं क्या थी, सामूहिक फर्मों को निजी फर्मों में बदला गया भाई, क्योंकि अब पूंजीवादी पद्धति से खेती होगी, अब सरकार के नियंत्रण में जमीनें नहीं है, है ना। मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व था, सारी चीजें निजी हाथों में सौंप दिया गया, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, मुक्त व्यापार को अपनाना जरूरी मान लिया गया कि भाई अब सीमाओं पे कोई प्रतिबंध नहीं होंगे, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्रा की आपसी परिवर्तनीयता भी जरूरी थी, यानी कि मुद्राओं को आपस में बदला जाए, एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से कहीं ना कहीं बदला जाए, है ना, ये भी तो व्यापार के लिए बहुत जरूरी होता है भाई। इसके अलावा सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूदा व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया, तथा प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिम मुल्कों से जोड़ दिया गया, मतलब जो पुराने जो व्यापारिक गठबंधन बनाए गए थे, पुराने समय में जो रूल्स व्यापार के बनाए गए थे, उसको खत्म कर दिया गया और इनको सीधा पश्चिमी मुल्कों से जोड़ दिया गया व्यापार के लिए। ठीक है जी। शॉक थेरेपी के परिणाम की बात कर लेते हैं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉक थेरेपी के परिणाम, अलग से बस परिणाम परिणाम ही पेपर में आ जाता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, शॉक थेरेपी का सबसे पहला परिणाम ये होता है कि भाई औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, रूस का जो पूरा औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया, है ना, जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ती है शॉक थेरेपी की वजह से। ठीक है। और ग्यारह से इसको दुनिया का सबसे, मतलब क्योंकि शॉक थेरेपी के कारण क्या होता है, जो रूस है, रूस के बहुत सारे उद्योग धंधों को औने पौने दाम पे बेच दिया जाता है। ठीक है। इसको इतिहास का सबसे बड़ा गैराज सेल कहा जाता है ना। ठीक है। तो गैराज सेल वाली घटना भी आप बता सकते हैं कि औने पौने दामों पे उद्योग धंधों को बेच दिया गया। कालाबाजारी भाई, देखो उद्योगों के लिए जो बेचने के लिए जो महाबिक्री हुई थी, उसमें भाग लेने के लिए जो अधिकार पत्र वगैरह दिए गए थे, जो लाइसेंसिंग की जो व्यवस्था थी वो भी बिल्कुल बेकार थी, घटिया थी, है ना। और इसको लोगों ने क्या किया था, अधिकांश ने इसको कालाबाजारी के हाथों बेच दिया, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी, तो ये भी एक बहुत गंभीर समस्या थी। मुद्रास्फीति बहुत बढ़ी भाई शॉक थेरेपी के कारण, मुद्रास्फीति में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है, यानी कि जो रूसी मुद्रा रूबल है उसके मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आ जाती है। अब रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय ढंग से गिरावट आने का मतलब ये था कि महंगाई वहां पे लगातार बढ़ती जा रही थी, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, मतलब मुद्रा के क्रय शक्ति में कमी आ जाना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्न संकट, देखो जी, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई थी, इस वजह से वहां पे लोगों को जो पहले सरकार से जो खाने पीने की जो चीजें मिलती थी वो भी अब नहीं मिल रही है, यानी कि खाद्यान्न संकट भी देखने को मिलता है। पुरानी सामाजिक कल्याणकारी नीति अब समाप्त हो चुकी थी, यानी कि वही जो समाज के कल्याण के लिए सरकारें
लोगों को जो चीजें मुहैया कराती थी सस्ते से सस्ते दाम पे, रियायती दरों पे, वो भी अब उनको नहीं मिल रही है। माफिया वर्ग का उदय देखने को मिलता है, यानी कि कुछ जो पावरफुल लोग थे उन्होंने पूरे आर्थिक गतिविधि पे अपना नियंत्रण बना लिया था। जो डॉन भाई होते हैं, जो माफिया वर्ग होते हैं, यानी कि जो बंदूक के नोक पे कुछ भी कर लेते हैं, तो उनका उदय देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अमीरी और गरीबी के बीच का फासला बढ़ गया, यानी कि आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ा। धनी और धनी हो गए, निर्धन और निर्धन हो गए, ये आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। ये सारे पॉइंट आप शॉक थेरेपी के परिणाम में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और रूस संबंध की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है जी, भारत और रूस के संबंधों पर रोशनी डालिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। भारत और रूस के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। देखिए जी, भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है, पहले सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध थे अच्छे, वही संबंध रशिया के रूप में बदल गया जब रशिया सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, है ना। तो दोनों का ही, भारत और रशिया दोनों का ही सपना क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से मतलब है कि पूरी दुनिया में बहुत सारी शक्तियां हो, शक्ति के बहुत सारे केंद्र हो, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनकी बातें मानी जाए, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, है ना। यही बहुध्रुवीय विश्व का मतलब है। सुरक्षा की क्या हो, सामूहिक जिम्मेदारी हो, है ना। अगर किसी एक देश पर कोई शक्तिशाली देश हमला करता है तो सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करें, ये सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्षेत्रीयता को महत्व दिया जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सभी क्षेत्रीय संगठनों को अधिक जगह मिलनी चाहिए ताकि अपने क्षेत्र की समस्या पर समाधान के लिए उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखा जाए जा सके। यानी कि क्षेत्रीयता को महत्व देने का मतलब यह है जो छोटे मोटे जो क्षेत्रीय संगठन है उनको भी महत्व दिया जाए, उनकी बातों को भी सुना जाए, है ना, ताकि वो अपनी समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आसानी से रख सके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से हो, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होता है तो उसका समाधान बातचीत के जरिए हो, ना कि सीधा हमला हो, देश एक दूसरे को मारना शुरू कर दी, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, है ना। सभी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से हो। इसके अलावा प्रत्येक देश की स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, उनके फैसलों को सभी देशों को मानना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है जी, सामरिक समझौते हुए, भाई देखो दोनों देशों के बीच में जो सामरिक समझौते हुए थे 2001 में हुए थे, 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया है दोनों देशों ने। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ संबंध आप बता सकते हैं कि भाई भारत जो है बहुत ज्यादा ऊर्जा संसाधनों को आयात करता है, कहाँ से, रशिया से। बहुत सारा हथियार खरीदता है भारत, कहाँ से, रशिया से, है ना। लेकिन रशिया भी भाई हमें बहुत ज्यादा मदद करता है, जैसे कि कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा हमारे साथ रहता है वो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है खत्म होता है। ज्यादातर क्वेश्चन आप सपोर्ट में भी देखेंगे, पेपर उठा के देखेंगे, क्वेश्चंस यही होते हैं। लगभग जो भी मैंने आपको 7, 8, 9 क्वेश्चन बताए हैं, यही से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक जरूर करें, लाइक करेंगे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक इस वीडियो को पहुंचाएगी। मैंने बीच में एक बार भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, एक बार भी वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए नहीं किया कहा, लेकिन आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।